अच्छा, 7 अक्टूबर को कतर नहीं तुर्की में बैठा था हमास का चीफ इस्माइल हानिया। क्या 7 अक्टूबर को तुर्की में बैठकर इसराइल में खून खराबे का जश्न मना रहा था हानिया? क्या तुर्की की जमीन से रची गई थी इसराइल पर हमास के हमले की साजिश? क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सुनाया था हमास को इसराइल में कत्लेआम मचाने का फरमान? इन सवालों ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के 31 देशों को हिला दिया है। पूरे के पूरे नाटो में हड़कंप मच गया है। तुर्की ने एक बार फिर नाटो देशों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। नाटो को तुर्की वो विभीषण बनता दिखाई दे रहा है जो उनके 74 साल पुराने सैन्य गठबंधन की कब्र खोद सकता है। तो क्या इसराइल की जंग नाटो के टुकड़े टुकड़े कर देगी? जिस नाटो की बुनियाद करीब 2 साल से जारी यूक्रेन के युद्ध में नहीं हिली, उसके वजूद पर महज 2 महीने पहले शुरू हुए गाजा की लड़ाई ने तलवार लटका दी है और नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो गया है खुद नाटो का सदस्य तुर्की। इस जंग में खुल्लम खुल्ला हमास के साथ खड़ा है और इसराइल पर आग उगलने में लगा है। अब खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के करीब 3,000 लड़ाके इसराइल में घुसे थे, उस दिन हमास का चीफ इस्माइल हानिया तुर्की में बैठा था, जबकि अब तक ये माना जा रहा था कि हानिया कतर में छिपा हुआ है। इसराइल पर हमले के दिन हानिया के तुर्की में होने की खबर को तब और हवा मिल गई जब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात से सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो नहीं जानते कि 7 अक्टूबर को हानिया कहां था। हो सकता है वो तुर्की में हो, मुद्दा ये नहीं है कि हमास के नेता किस वक्त कहां है। मुद्दा यह है कि हम इस जंग को कैसे रोकें। तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के इस बयान ने अमेरिका और नाटो के जहन में तुर्की के खिलाफ काफी वक्त से पैदा शक को पुख्ता कर दिया, क्योंकि हमास के नेता बेधड़क बिना किसी रोक टोक के तुर्की में जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे वहां से जा सकते हैं। तुर्की में उनके स्थायी ठिकाने हैं और खुद तुर्की के राष्ट्रपति के हमास के नेताओं के साथ निजी रिश्ते हैं। अभी जुलाई में ही इस्माइल हानिया इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिला था। इसीलिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत हमास के नेताओं को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग में है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति ने इसराइल को सीधी धमकी दे दी थी कि अगर तुर्की की जमीन पर हमास के नेताओं को एक खरोच भी आए तो इसराइल को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की वैसे है तो नाटो का सदस्य, लेकिन नाटो के बाकी दोस्तों से उसकी कुछ खास नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि नाटो की अगुवाई करने वाले अमेरिका तक को आंख दिखाता है और उनकी बात नहीं मानता है। यहां तक कि जर्मनी से भी तुर्की के अच्छे रिश्ते नहीं है और ग्रीस से तो उसकी जंग होते होते बची है। नाटो देश जो रास्ता पकड़ते हैं, तुर्की उससे बिल्कुल उल्टी चाल चलता है। यूक्रेन के युद्ध में भी तुर्की ने यही किया। नाटो देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, मगर तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाना तो दूर, तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से रिश्ते भी नहीं तोड़े और रूस से गैस खरीदनी भी जारी रखी। अब गाजा की जंग में भी तुर्की का स्टैंड नाटो के स्टैंड से बिल्कुल अलग है।
इसराइल पर हमला होते ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े नाटो देश हमास पर बुरी तरह भड़क गए थे। बिना वक्त गवाए उन्होंने इसराइल से हमदर्दी जताई और इस लड़ाई में उसके पीछे खड़े हो गए। हमले के चंद दिन के अंदर अमेरिका के बाइडन, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के ऋषि सुनक और जर्मनी के ओलाफ शॉल्स इसराइल का साथ देने, उसका हौसला बढ़ाने के लिए सीधा इसराइल पहुंचे और हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। मगर तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तायिप एर्दोगान ने तो इसराइल को ही आतंकी देश बता दिया है। वो इसराइल पर थमथमाए हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू को गाजा का कसाई बुला रहे हैं। एर्दोगान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने गाजा में जिस बेरहमी से मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलेगा। और इसराइल के कूटनीतिक रिश्तों में पहले से ही खटास थी और गाजा की जंग ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, मगर हमास तुर्की का दोस्त है। दोनों के रिश्ते बरसों पुराने हैं। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है, और खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान तो फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन की अलग देश की मांग का समर्थन किया है। अमेरिका तो ये तक दावा करता है कि उसके पास सबूत हैं कि तुर्की फंड जुटाने में हमास की पूरी तरह मदद करता है। इस वजह से अमेरिका तुर्की पर हमास के रिश्ते तोड़ने का जबरदस्त दबाव बनाने में लगा है, मगर तुर्की के सिर पर तो जू तक नहीं रेंग रही है। उल्टा तुर्की हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों का तमगा दिए बैठा है। तुर्की कहता है कि वह हमास के नेताओं से इसलिए बातचीत करता है क्योंकि वह जंग रुकवाना चाहता है और शांति चाहता है। यहां तक कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और एर्दोगान की फोन पे बात हुई तो एर्दोगान ने उन पर ही गाजा की जंग रुकवाने का दबाव डाल दिया। तुर्की के इन्हीं तेवरों ने अमेरिका और नाटो के सिर में दर्द किया हुआ है। इसलिए सवाल ये है कि फिर भी अमेरिका तुर्की के आगे बेबस क्यों है? क्यों वो तुर्की के नखरे सह रहा है? तो ये बात है कि अमेरिका और नाटो का तुर्की के बिना गुजारा नहीं, और तुर्की उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाने में लगा है। दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की नाटो देशों के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर है, यानी यूरोप के आगे पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर तक नाटो और अमेरिका की पहुंच बनाने के लिए तुर्की अहम जरिया है। तुर्की नाटो के लिए काला सागर में घुसने का भी रास्ता है, और रूस को घेरने के लिए काला सागर बेहद जरूरी है। और फिर तुर्की नाटो का वो सदस्य है जिसके पास अमेरिका के बाद इस मिलिट्री अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और तो तुर्की नाटो के लिए जमीन पर और समंदर में भी अड्डे मुहैया करा सकता है। ऐसे में नाटो और अमेरिका तुर्की जैसे देश को खोने का खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके रूस और चीन जैसे सबसे बड़े दुश्मन तुर्की को अपने खेमे में लेने के लिए तैयार खड़े हैं।